हाय फ्रेंड्स, आज हम डबल कटोरी की स्टिचिंग किस तरह से करनी है वो देखेंगे। आप पार्ट वन और पार्ट टू की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो ये क्रॉस मार्क किया है ऊपर और नीचे लाइनिंग पे और मेन मटेरियल पे, ये फर्स्ट पहले ये स्लीव्स को उठा के इसको नीचे रख देंगे। अब ये वाला पार्ट लाइनिंग का इसके साथ अलग करेंगे और ये वाला पार्ट अलग। अभी ये जो क्रॉस मार्क है और क्रॉस मार्क दोनों सामने सामने आना चाहिए। अभी इस पार्ट पे हम लोग यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। फर्स्ट फुल में फुल यहाँ तक स्टिच लगाएंगे दोनों स्लीव्स में, और सेम जो योक पार्ट है योक पार्ट में भी दोनों साइड पे मैंने क्रॉस मार्क लगाया है मेन मटेरियल पे और लाइनिंग पे। उसको भी मैं ये जो मेरा योक का ये जो मेन कपड़ा है उसको नीचे रख के ये लाइनिंग वाला पार्ट इसके ऊपर रखूंगी और ये लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरह से अलग कर देंगे। ये हमारे दो योक अलग अलग हो गए। अभी इसमें भी सेम हम लोग नीचे पाव इंच पे दोनों साइड पे दोनों में पाव इंच पे 1/4 इंच पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम लोग ने मेन क्लॉथ और लाइनिंग क्लॉथ पे नीचे इस तरह से स्टिच लगा ली। अभी मैं ये चारों पार्ट में इस तरह से फोल्ड करके और ये पार्ट पे एकदम कॉर्नर पे मेन कपड़े पे स्टिच लगाऊंगी चारों पार्ट्स में। अब हमने ये स्लीव्स में और योक पार्ट में नीचे प्रेस स्टिच लगा दिए। डबल कटोरी के जितने भी पार्ट्स हैं तो सारे पार्ट्स के मेन मटेरियल को और लाइनिंग के मटेरियल को रफ स्टिच से अटैच कर दिए। अब हमारा जो ये बैक पार्ट है बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और जो ये ओपन पार्ट है ओपन पार्ट से 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। और इधर से जो पैक वाला पार्ट है वहां से हम लोग ने जो मार्किंग की है वहां तक कपड़े को लेके जाना है और यहाँ पर एक मार्किंग करनी है और एक मार्किंग यहाँ पर करनी है। ये जो दो मार्किंग की है वहां से हम लोग 5 इंच ऊपर एक मार्किंग करनी है और सेम 5 इंच मार्किंग ये पॉइंट से करनी है। ये हमारी टक्स मार्किंग है। जो नीचे की ये मार्किंग है तो वहां से लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे आधा आधा इंच का मार्किंग देना। अब ये पॉइंट को इस पॉइंट से और इससे ज्वाइन करना। अब मैं ये जो टक्स है इसको पहले इस तरह से पकड़ के यहां से स्टार्ट करूंगी स्टिच को यहां तक लेके जाऊंगी और रिटर्न वापस नीचे वाले पॉइंट तक लेके आऊंगी। दोनों साइड पे सेम स्टिच लूंगी और हम लोग का जो ये कटोरी का जो नीचे का पार्ट है ये नीचे के पार्ट में भी मैंने कटिंग के टाइम ही ये मार्किंग बताई थी आपको, तो ये मार्किंग को भी सेम ये पॉइंट और ये पॉइंट को पहले मैच करना है। यहां से स्टिच चालू करनी है और यहां तक ये पॉइंट तक लेके जानी है और रिटर्न वापस एंड तक स्टिच लगानी। इस तरह से हमने ये टक्स की स्टिच लगा ली है। हमारा जो ये टक्स का जो ये पॉइंट है पॉइंट पार्ट ऊपर आएगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ रखना। ये कटोरी में मैं ये पॉइंट पार्ट ऊपर तो यहाँ पर ये इस तरह से अटैच होगा। तो मैं स्टिच लगाते टाइम यहाँ से स्टार्ट करूंगी और यहाँ तक एंड करेंगे। सेम मैं दूसरे वाले पार्ट में भी सेम इस तरह से हमारी ये कटोरी रेडी हो जाएगी। फिर ये जो कटोरी रेडी होगी उसको हम लोग ये वाले पार्ट पे अटैच करेंगे इस तरह से ये। और फिर इतना पार्ट रेडी होने के बाद में हम लोग जो ये योक पार्ट है उसको यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और ये वाला योक पार्ट इधर इस तरह से आएगा। तो अभी हम मेन स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब ये जो कटोरी है कटोरी ये जो ये दो पार्ट्स है और ये वाला जो छोटा पार्ट है इस पार्ट को इस तरह से आगे की तरफ आना चाहिए कटोरी में और ये वाला पॉइंट वाला पार्ट ऊपर की तरफ। अब इसको इस तरह से रख के
इस तरह से हमारी ये कटोरी बन गई है, उसी तरह से हम दूसरी वाली कटोरी में भी सेम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये डबल कटोरी ब्लाउज का जो कटोरी पार्ट है उसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, और इसकी जो रिमेनिंग स्टिचिंग है उसके लिए आप कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग रेफर कर सकते हैं, जिसकी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।